आंटी सही कहा था आपने, जीतना तो मुझे ही। डॉक्टर अश्विन वाधवा का पर्दाफाश काफी किचाई है। सब खत्म हो गया बस। तुम मुझसे वाधवा नर्सिंग होम के पीआरओ बनकर बात कर रही हो या मानस की वाइफ? दुश्मनी करनी है तो ठीक से दुश्मनी करो दोस्त, आज ना मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मुझसे तलाक देगा ना उस दिन तुम हक से कह सकोगी कि अभिमन्यु तुम्हारा है। तलाक? आंटी क्या अभी सिमरन को डिवोर्स देने के लिए राजी हो जाएगा? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? जब उसने कहा कि डिसीजन ले लिया उसका क्या मतलब हुआ? नहीं आंटी आप नहीं जानती, अभिमन्यु डिवोर्स की बात अभी नहीं करेगा, वो सिमरन को लेके कंफ्यूज ही रहता है। अरे अगर वो कंफ्यूज है तो तुम उसे कन्विंस करो कि वो सिमरन को तलाक देकर तुम्हारे साथ बाकायदा घर पे जाए, और ऐसी सिचुएशन पैदा करो कि उसे सिमरन से जान छुड़ाने में ही अपनी जान छुटती नजर आए। जानती हूँ बेटा ये एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर तुमने ये आखिरी रोड़ा पार नहीं किया ना तो तुम्हारी अब तक की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसमें सोचने की कोई बात नहीं, बस तुम अभी को कन्विंस करो। वैसे भी तेरे सुसाइड अटेम्प्ट के बाद वो तेरी हर बात मानने को रेडी है। लेकिन सिमरन वो इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देगी। अगर अभी अपनी तरफ से डिवोर्स के कागजात तैयार करके भेज दे तो इतना तो मैं भी जानती हूँ कि वो साइन कर देगी, बड़ी खुददार चुभनती है। बात तो है अभी से डिवोर्स के कागजात तैयार करवाने की, और ये जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि डिसीजंस बदलने में देर नहीं लगती। आदमी स्पेशली तुझसे यही बात कहने आई है कि कहीं तुझसे कुछ चूक ना हो जाए, तो आज ही बात करना अभी से। आज? जल्दबाजी में काम बिगड़ भी सकता है आंटी, अब मैं अभी को अपनी लापरवाही से खोना नहीं चाहती। अरे लापरवाही तो तब होगी जब तू कछुए की चाल चलेगी। खरगोश की चाल चलकर अब तक तू यहाँ पहुंची है, अब अपनी चाल मत बदल। एक ही साल में अभी की शादी और प्यार सब मिल, अब सिमरन के पास बचा ही क्या है? सिर्फ बीवी का हक। अरे जब अपना ही हक छीन कर लेना पड़ता है तो ये तो दूसरे का हक छीनने की बात है, दूसरे के हक को अपना बनाने की बात है। समझ रही है ना तू मेरी बात? हेलो हेलो सर, किरण इज ऑनलाइन। हेलो हाय सर, किरण कपूर हियर, हाउ आर यू? वेरी वेल थैंक यू किरण, वेयर आर यू? आप और मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना कुछ आइडियाज लेकर यहाँ आने वाले थे। सर वी हैव सम ग्रेट आइडियाज, अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट। आई एम रियली सॉरी हम आपके साथ मीटिंग फिक्स नहीं कर पाए सर, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। व्हाट हैपेंड? सर एक्यूट ब्रोंकाइटिस। फिर तो तुम्हें आगे भी प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। यस सर, बट नाउ आई एम बेटर। देन लेट्स फिक्स द मीटिंग किरण। देखो हमने तुम्हारी कंपनी को ये प्रोजेक्ट देकर बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। आई मीन आई एम आंसरेबल टू द मैनेजमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड सर, वी वोंट लेट यू डाउन। वेयर इज अभिमन्यु? सर ही इज गॉन फॉर अ मीटिंग। विदाउट यू? सर आई विल डेफिनेटली कॉल यू बैक टुडे इटसेल्फ। बाय। उर्मिला जी, हेलो। क्या बात है अश्विन, अभी तक तुम घर पर ही हो? उर्मिला मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था, एक्चुअली मैं आज तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, एक जरूरी मीटिंग में जाना है। मीटिंग? मगर आज तो कोई मीटिंग नहीं है हमारी। डॉक्टर रॉय का फोन आया था उर्मिला, उन्होंने मुझे बुलाया है। ओके मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। डॉक्टर रॉय ने मुझे पर्सनली बुलाया है और मिला, तुम्हारा जाना वहाँ ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं? इससे पहले भी तो मैं उनसे मिलने गई हूँ, डॉक्टर रॉय मुझे जानते हैं। और मिला क्यों बहस कर रही हो तुम मेरे साथ? तुमसे कहा ना कि उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाया है। देखो डॉक्टर रॉय एक सीनियर डॉक्टर है और उन्हें मुझसे जरूरी काम है। हाँ ठीक है ठीक है, तो मीटिंग खत्म करके तुम डिनर के लिए यहाँ आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाई है। डिनर? आई एम सॉरी उर्मिला, डिनर मैं डॉक्टर रॉय के साथ लूंगा। इंटरेस्टिंग, ओके नो प्रॉब्लम। ओके देन बाय, टेक केयर। वन सेकंड डॉक्टर अश्विन, क्या मैं आपका कल का डिनर मेरे साथ फिक्स कर सकती हूँ या कोई और एंगेजमेंट है? उर्मिला इसके बारे में हम कल बात करें।
हम कल मिल रहे हैं ना हॉस्पिटल में। बाय बाय। साहब जी जीवन बाबू जी। आज हम खाना घर पर ही खाएंगे जी साहब। कुछ बढ़िया सा बनाओ यार, मजा आ जाए। क्या खाएंगे साहब? मकई की रोटी और सरसों का साग। और भी कोई आने वाला है साहब? हमी हाँ, अगर उर्मिला मैडम को फोन आए ना तो उनसे कह देना कि हम घर पे नहीं हैं। ज्यादा कुछ पूछे तो कह देना हम खाना बाहर ही खा के आए। जी साहब। सोई जी। बोलो पापा। नाउ आई वांट टू गो होम। आई मीन मैं जानती हूँ ये मेरा ही घर है, लेकिन कोई लेकिन मेकिन नहीं चलेगी इस बार सिमरन। बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यही रहोगी। पापा आई एम ओके नाउ। I'm not ill, मेरी तबीयत ठीक है। हाँ बेटा, जानता हूँ कितना ठीक हो तुम। अपनी हालत मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है बेटा। अभिमन्यु और तुम्हारे बीच क्या चलता रहा तुमने छिपा लिया, किसी को पता नहीं चलने दिया। ठीक है, वो तुम्हारा स्वाभिमान था, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अपना ये दर्द छिपा कर भी मुझसे नहीं छिपा सकती हो तुम। तुम्हारे चेहरे पर गम की परछाई दिख जाती है बेटा। पापा आप भूल जाते हैं कि मैं आपकी सिमरन हूँ, आपकी वही पुरानी सिमरन। हाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, मगर वो गुजर जाएंगे। हाँ बेटा, कोई और होती तो इन हालात के सामने टूट जाती, रो पिट कर अपने हस्बैंड की सिंपथी हासिल करने की कोशिश करती। तुम नहीं, तुम अपने ही तरीके से जूझ रही हो अपनी तकलीफों से। I'm fine now, Papa. I'm okay. सिमरन, बेटा मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हारा चेहरा कोई पढ़ नहीं सकता है। अच्छा तुम कैसे जान जाती हो कि कब आस्था दर्द से रो रही है, कब भूख से रो रही है? हाँ थोड़ी और वो बड़ी हो जाएगी तो तुम ये भी जान जाओगी कि ये वाकई पेट दर्द की वजह से स्कूल नहीं जा रही है, या इस डर से पेट दर्द है कि स्कूल जाकर उसे डांट पड़ेगी क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया। बेटा माँ बाप को ये गॉड गिफ्ट होती है, वो जान जाते हैं कब बच्चा खुश है, उदास है, कब तकलीफ में है। लिफाफा देखकर मजमून भाप लेते हैं। काश काश ये गॉड गिफ्ट तुम डॉक्टर्स को भी मिली होती तो पेशेंट्स के हजारों टेस्ट ना कराते, उसका चेहरा देखकर ही जान जाते कि उस बेचारे को तकलीफ क्या है। आप नहीं चाहते तो मैं रुक जाती हूँ। सिमरन की हालत मुझसे देखी नहीं जाती जीजा, एकदम खामोश, अपनी बच्ची को सीने से लगाए बैठी, और वो लड़का, उसे अपनी बेटी तक की परवाह नहीं, ऐश कर रहा होगा उस किरण के साथ। मैं जाकर मिलता हूं उससे, देखता हूं क्या कहता है। नहीं तुम उससे नहीं मिलोगे, गुस्से में हो कहीं कुछ करना बैठो। पिछली बार भी उसे मिलने गए थे, रहा नहीं गया तुमसे, हाथ उठाया था उस पर तुमने। अब तो इतना कुछ कर चुका है वो कि जान ले लूंगा मैं उसकी जीजा। तुम उससे नहीं मिलोगे, सिमरन को अच्छा नहीं लगेगा। वो बेचारी तो खुद बर्दाश्त कर रही है और हम गुस्से में
खामखां कुछ गलत कर बैठे। क्या बात है सर, कुछ कहना चाहती है? काय बोलूं साहब, आप लोग तो समझदार लोग हैं, पर मैं बोलती साहब भाई की जो हालत है ना बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई भाई एकदम चुप बैठी है, मेरे को तो बहुत डर लगता है। कल से मेरे से अच्छे से बात नहीं की है, बेबी से पण बात नहीं की। तुम तो जानती हो सुगना, उसकी हालत ठीक नहीं है, वो बहुत दुखी है। वही तो दुखी है ना, वो तो रोना चाहिए ना साहब, ऐसे चुप बैठी है। मैं बोलती हूँ ना साहब, तुम पढ़े लिखे लोग होते हो ना, बड़े लोग का यही प्रॉब्लम है, सब कुछ अपने दिल में रखते, तुमको लगता है कि ये ठीक है पर ये ठीक नहीं। मैं बोलती हूँ तुमको, हम छोटे लोग हैं ना, हम लोग चार गाली देके दिल की भड़ास निकाल लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा तो नहीं होता है ना साहब। अभी मेरी भाई को देखो कैसे गुमसुम बैठी है। तुम लोग को तो सब समझ में आता है साहब, लेकिन मैं तुमको बोलती है ये भाई की जो हालत है ना उसको कुछ हो जाएगा। सब तुम कुछ करो, कुछ करो साहब। इसको कितना ध्यान है सिमरन का, देखो ना कभी कभी तो बिना रिश्ते के रिश्ते बन जाते हैं, और कभी रिश्ता होकर भी नहीं होता। ओ आप साहब कहाँ गए जीवन बाबू? जी वो पता नहीं जी, कुछ बताकर नहीं गए कब आएंगे? नहीं। अच्छा ठीक है, मेरे लिए पानी ले आओ। जी सर। काका आपसे मैंने कहा था ना कि वो अश्विन तुम घर पर ही हो? जीवन बाबू ने मुझसे कहा कि तुम नहीं हो। अब जाइए उर्मिला, मैंने ही इनसे कहा था कोई भी आए तो कह देना मैं घर पर। आई जस्ट डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब। तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, गए नहीं? डाली अगर मेरी मीटिंग थी तो तुम यहाँ क्या करती हो? तुम्हारा इंतजार करने आई थी, और मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गए तुम? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो? तुम्हारी तरह झूठ तो नहीं बोला कि मीटिंग में जा रही हूँ? ओह वुमन, यू आर सो टिपिकल, मीटिंग कैंसिल भी हो सकती है। तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इट जस्ट गॉट कैंसिल, वुमन, जस्ट गॉट कैंसिल। ओ क्या, ओ लेकिन तुम्हारा यहाँ अचानक आना मेरी समझ में नहीं आया। तुमसे मैंने कहा था कि मैं लेट हो जाऊँ, कहा था ना मैंने? लेट होते लेकिन आते तो घर ही ना। व्हाटएवर उर्मिला, व्हाटएवर, दोबारा जब भी तुम आना प्लीज मुझे इन्फॉर्म करके आना, अच्छा रहेगा। हाँ तो अब मैं इन्फॉर्म करके आऊँ? क्यों, मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तुम्हें, या फिर कोई और आने वाली है? स्टॉप नैगिंग लाइक अ टिपिकल वाइफ उर्मिला, प्लीज फॉर गॉड सेक। डार्लिंग जरा सोचो, अगर मैं तुम्हारे घर पहुंच जाता तो पॉसिबल फिर? आई एम सॉरी अश्विन, वो अचानक से तुम ऐसे देखा तो आई वाज शॉक्ड, आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज, बट आई कैन अंडरस्टैंड, इवन आई एम सरप्राइज्ड प्लेजेंटली टू सी यू। कम से कम मुझे अकेले ड्रिंक नहीं पीना पड़ेगा, he'll give me company, right? कुछ कहने की जरूरत है नहीं अंकल, आई अंडरस्टैंड, और अब तो कुछ बचा ही नहीं कुछ कहने के लिए, जब बात ही खत्म हो गई है। इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सिमरन। हाँ बेटा, फिक्र तो हमें भी है कि कैसे उसे इस ट्रॉमा से निकाला जाए। मुझे लगता है मानस अगर वो वापस काम पे जाना शुरू कर दे, वहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट से मिलेगी, तुम सब होगे आसपास स्टाफ के साथ, तो शायद वो ये सब भूल सके। आई एम सॉरी मानस, जब तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी तुम बिल्कुल अकेले थे, और आज तुमसे
सहारे की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। क्या बात कर रहे हैं आप अंकल? आप लोगों का सहारा हमेशा रहा है मुझे, और सिमरन का तो बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट था। एक बात पूछो बेटा, ये एक जैसी किस्मत क्यों लिखवा लाए तुम? मैं सिमरन से बात करता हूँ। सोच रहे हो? I mean, do you know that Anil Shori इसी हफ्ते मीटिंग करना चाहते हैं और हमने कोई प्रेपरेशन नहीं की? Anyways, कॉफी पीते हैं और थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट सोचते हैं। मैं समय सोच वोच नहीं सकता, प्लीज कॉन्सेप्ट पे खाक सोचूं, मेरी जिंदगी का कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो गया। और अभी अपना एंबिशन तो मत बदलो। I mean, मेरे को टेक्सटाइल्स का असाइनमेंट तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या उसे यूं ही हाथ से जाने दोगे? मैं इस वक्त अपने किसी भी एम्बिशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूँ। Well, अभी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं होगा। देखो, मैंने पूरी तैयारी की है, खचरों की मूर्तियों की तरह हम और उसको शूट करेंगे। Hey, that's a nice idea. What we can do is that हम लोग models की semi-nude photographs use करेंगे. Yes, without any jewelry. And it'll be very ethnic with some modern stylization kind of a thing. Shot aesthetically. I think this will work. Hey, this is a very good idea. एक सेकंड रुको. That's good. Just choose a few photographs, a few poses. All right. Sir, ये किरण कपूर जी के लिए। कमाल है, अभी सोचना शुरू ही किया था, बुके भी आ गया। That's good, but it's for you, whoever it is. A get well thought especially for you, dear Kiran. Get well soon, Anil Shori. So sweet, so nice of him. मुझे उन्हें फोन करके थैंक्स कहना चाहिए ना? इतनी रात को फोन करने की कोई जरूरत नहीं उसको। अरे अमीर ज़्यादा कोई चोचले देखो, आधी रात को बुके भिजवाया। It's beautiful. कल से आ जाओ फिर अस्पताल। मैं नहीं आना चाहती मानस, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मन उब गया मेरा। अरे आ जाओ, वहां के बैठोगी तो अपने आप मन लगेगा। मुझे सिर्फ आस्था की फिक्र है। हेलो, हाँ 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 ठीक, मैं हूँ डॉक्टर सिमरन के पास बैठा हूँ। हाँ ठीक है मैं आता हूँ। तुम्हें अस्पताल चलना पड़ेगा सिमरन, मिस्टर शाह इज इन लेबर पेन और वो चाहती हैं कि तुम उन्हें अटेंड करो या डॉक्टर दलाल। डॉक्टर दलाल इज स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन इन द हॉस्पिटल, तुमको चलना पड़ेगा। मैं नहीं जा सकती। तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारा पेशेंट तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारे ना बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मानस प्लीज, तुम किसी और सीनियर डॉक्टर को ले जाओ, मुझसे ये नहीं होगा। हेलो डॉक्टर सिमरन, यू आर अर्जेंटली नीडेड हियर। वो मिसेस शाह को अक्यूट लेबर पेन्स हो रहे हैं, वो बहुत शोर मचा रही हैं, शी इज पैनिकिंग। आप जल्दी आ जाइए, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। ओके, आई डोंट वांट टू गो टू द हॉस्पिटल। क्या कर रही हो सुनो, रो क्यों रही हो, व्हाई आर यू क्राइंग? मानस प्लीज लीव मी अलोन। नो, आई कैन नॉट लीव यू अलोन। सब लोग वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुमको चलना पड़ेगा।
I can't do this. I can't do this. How can you talk like this, Simran? You're a doctor. और तुम्हारा पेशेंट वहां इंतजार कर रहा है, वो चाह रहा है कि तुम उसको अटेंड करो, तुमको चलना पड़ेगा। वो औरत वहां लेबर पेन में है, उसको अटेंड करने की जरूरत है और तुम्हारा जाना वहां बहुत जरूरी है। मैं नहीं आऊंगी, नहीं आ सकती मैं मानस, कितनी बार कहूं तुमसे, प्लीज मैनेज विदाउट मी, प्लीज।